गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटीज नेक्स्ट डोर। आज मैं आपको एक और कॉर्नर और पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी दिखाने लेके आया हूँ। हाँ, आपका दिल दहलता रह जाएगा जब आप इसकी लोकेशन, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्राइसिंग जानेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो वी आर राइट नाउ इन सुशांत लोक सी ब्लॉक, जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये 12 मीटर की रोड है, साथ में 12 मीटर की रोड है और ये एक ईस्ट फेसिंग कॉर्नर पार्क फेसिंग प्लॉट है। चलिए आइए इसके अंदर, आपको जल्दी से स्टिल्ट का एरिया दिखा दूं। द स्टिल्ट फ्लोर विल हैव सर्वेंट क्वार्टर्स, अ कॉमन वॉशरूम फॉर द सर्वेंट्स एंड टू कार पार्क्स फॉर ईच फ्लोर। पूरी दीवारों पे टेक्सचरिंग करी हुई है, कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड यू विल फाइंड अ लग्जूरियस फिनिश इन दिस हाउस। नाउ लेट्स टेक यू अपस्टेयर्स एंड एज प्रॉमिस्ड वी अगेन गेट यू टू अ प्रीमियम लोकेशन। ये ईस्ट फेसिंग कॉर्नर पार्क फेसिंग फ्लोर, ऐसी चीजें सिर्फ हम रियलिटीज नेक्स्ट डोर पे आपके लिए लेके आते हैं। आइए घर के अंदर आइए। 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे बना हुआ ये 4 BHK है। मैं खड़ा हूँ घर के एंट्रेंस फॉयर पे। एंट्रेंस फॉयर पे आते ही बिल्डर ने एक पूजा स्पेस डिजाइन करी है आपके मंदिर के लिए। इसके पीछे किचन है, 3 bedrooms पीछे हैं जैसे आपको दिख रहे होंगे। फ्रंट ऑफ द हाउस में ड्राइंग डाइनिंग एरिया और एक बेडरूम है। चलिए आ जाइए ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। अब सबसे पहले ये देखिए, ये ग्लास के साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइलिंग के साथ एक डाइनिंग एरिया के लिए स्पेस बना रखी है। यहाँ पे मेरा 6-seater डाइनिंग टेबल आराम से लग सकता है। विद 2 heads इट कैन बिकम एन 8-seater, साथ में सर्विस हो सकती है। अंदर आते हैं, विक्टोरियन फिनिशेज हैं वॉल पे, बहुत नेक निखरा और सुथरा काम है। यहाँ आएगा आपका TV। ऑन दिस वॉल यू कैन हैव लेंथी सोफाज, उधर साइड पे चेयर्स, सेंटर में टेबल, यहाँ चेयर्स। इस एरिया को जो ये फ्रेंच विंडो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको खाली रखें, इस पे ड्रेप्स लगाएं या शेयर कर्टन लगाएं, भारी कर्टन भी ना लगाएं। क्यों? क्योंकि नेचुरल लाइट है और पार्क का एक्सेस है। आपको यहाँ 300-350 स्क्वायर फुट का एरिया मिलता है। अब आप एक सोशल आदमी है, आपके घर पे लोग आते हैं जो धूम्रपान करते हैं, उनके लिए हमारे पास ये बैल्कनी है। 5 foot की बैल्कनी है, आगे वाले बेडरूम और ड्राइंग रूम को कनेक्ट करती है और सामने इसके पार्क है। एट रियलिटीज नेक्स्ट डोर वी फर्मली बिलीव कि पार्क फेसिंग घरों में रहने का मजा ही कुछ और है। आ जाइए, लेट्स टेक यू टू बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 इज द बेडरूम इन फ्रंट। इस घर के बारे में एक खास बात यह है, अब मैं आपको बेडरूम में लेके जा रहा हूं, उससे पहले मुझे आपको यह बतानी चाहिए दैट द रूम्स आर ग्रेट बट द बाथरूम्स आर अनबीटेबल। सो बेडरूम नंबर 1, 160 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, ब्यूटीफुल फ्रेंच विंडोज, अच्छी सनलाइट आएगी, सामने ग्रीनरी है, हेडबोर्ड पे वॉलपेपर हुए हैं, साथ में लैंप्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ऑल डन बाय नॉर्सिस। चलिए बाथरूम के अंदर। बाथरूम में पत्थर देखिएगा, क्या इतना बढ़िया सीक्रेट ज्योमेट्री पैटर्न है इनके बाथरूम्स में, ब्लैक एंड ग्रे, लैमिनेटेड फिनिशेस, ऑल सैनिटरी वेयर बाय कूलर, अच्छा आपका वैनिटी काउंटर, वेट एरिया ड्राई एरिया सेपरेट, स्लाइडिंग डोर, रेन शावर एक्सपीरियंस। गीजर बाथरूम के अंदर लगा हुआ है, वार्डरोब भी अंदर है, स्मार्ट सेंसिबल क्वर्की डिजाइन। अब चलते हैं थ्रू द लॉबी। सबसे पहले किचन के अंदर हेटेज की फिटेड मॉड्यूलर किचन है। सॉरी थोड़ा बहुत फंबल कर जाता हूँ कभी कभी। एयर कंडीशनर लगाया हुआ है कि तड़के छोंक लगा रहे हो, गर्मी लग रही हो, AC चला लीजिए, मस्त हवा खाइए। फ्रिज के लिए जगह छोड़ी हुई है, डबल डोर आराम से आ सकता है। साथ ही में दे रखी है एक पैंट्री। मॉड्यूलर किचन है, कंपनी फिटेड, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी के साथ आती है। अप्लायंसेस अवंत ग्रेड बाय काफ, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, अवन, हाइड्रोलिक प्रेसेस के ड्रॉर्स हैं। यहां आपके 2 sink हैं, एक बर्तन के लिए, एक बाकी चीजों के लिए। कॉर्नर प्लॉट है, फ्रेंच विंडोज है, लाइट आ रही है, बढ़िया किचन है। चलिए कमरों की तरफ। 3 rooms नाउ, 1 room विदाउट अ बैल्कनी, गेस्ट रूम बना सकते हैं, बच्चों का रूम बना सकते हैं। 120 foot का कमरा है, वार्डरोब अंदर है, कमरा छोटा है तो शीशा भी दे दिया है, कपड़े निकालिए उसके बाद उनको पहनिए और फिर सेट कर लीजिए, यू नो यूटिलिटेरियन। छोटा बिस्तर आएगा, यहाँ TV आ सकता है, वॉशरूम, वेट ड्राई एरिया सेपरेट, कोला, देख के आइए।
Bedroom number 3. Wooden with golden grooves, beautiful classy design, paneling ho rakhi hai, headboard paneling puri kari hui hai. 180 फुट का कमरा है, यहाँ आता है बिस्तर, साथ में आपके स्टडी टेबल, साइड टेबल्स, चार्जिंग पॉइंट्स आर गिवन, एयर कंडीशनर इज इंस्टॉल्ड, यहाँ आएगा टीवी. बहुत उम्दा बालकनी है, बालकनी से पहले बाथरूम देख लीजिए. लॉन्ग एली बाथरूम है, कबर्ड्स अंदर है, पत्थर का पैटर्न देखिए, मजेदार. शुरू में मैंने आपको बताया था बाथरूम्स आर बेटर देन द रूम्स. बैल्कनी 5 फुट की बैल्कनी, साथ में जंगला लगाया हुआ है, टेम्परी MS का फ्रेम है, एस्ट्रोटर्फ लगी हुई है, बैठ सकते हैं, इफेक्टिव यूज 10 फीट. नाउ लेडीज, वॉशिंग मशीन कहाँ लगेगी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पॉइंट छोड़ा हुआ है, गीजर साथ में लगा हुआ है. अब इस घर में एक कमरा और एक बाथरूम रह गया है. लेट मी टेक यू टू द बाथरूम, इट विल ब्लो योर माइंड. वल्ला, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस एज पर मी. देखिए क्या बाथरूम है, 2 सिंक, बड़ा वैनिटी काउंटर, ड्रॉर्स, मेकअप रखो, परफ्यूम रखो, सब कुछ रखो. वार्डरोब, वार्डरोब शार एरिया. आई लव द गोल्डन पैटर्न दैट दे डन हियर. WC ऑन द अदर साइड, पीछे बालकनी है. बताइए ऐसे बाथरूम कहाँ मिलते हैं, पिक्चरों में और कहीं. अब आ जाते हैं कमरे में. लव द यूज ऑफ दिस मार्बल इनले हेयर, गिव्स इट अ वेरी रीगल रिच फील. बिस्तर यहाँ आएगा, सामने TV, फ्रेंच विंडो, कॉर्नर प्लॉट है, खाली रहेगा, 12 मीटर की रोड है साइड पे, सनलाइट आराम से आती रहेगी. नाउ आपने घर देख लिया है, सेलियंट फीचर्स ऑफ दिस हाउस, ऑल इटालियन मार्बल, एयर कंडीशन फिटेड इन, 100% पावर बैकअप, 3-tier सिक्योरिटी, CCTV इज इंस्टॉल्ड, हेटेज की ब्रांडेड किचन, A1 बिल्डर, एक्सेलेंट आफ्टर सेल्स सर्विस, उम्दा लोकेशन, ईस्ट फेसिंग प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट, पार्क फेसिंग प्लॉट. अगर ये नहीं लिया तो क्या लिया. दिस इज चेतन कौशल साइनिंग ऑफ फॉर रियलिटीज नेक्स्ट डोर.